हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे कुशल मंगल होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन और बहुत ही इजी लेसन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्पेशल कार्तिक मास आने वाला है, उसके लिए मैं ये लेसन मैंने बनाया है कि कार्तिक मास में आप ढोलक कैसे बजाएं और भजन कैसे गाएं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको जो ये ताल बताऊंगी, इसी ताल पर हम कार्तिक मास में तुलसी माता का भजन कैसे गाएं पूरा मैं आपको आज सुनाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। अगर आप भी कार्तिक मास में तुलसी माता का पूजन करते हैं तो आप भी इस ढोलक को बजाएं और इस ढोलक पर जो आज मैं आपको भजन सुनाऊंगी आप भी गाएं। बहुत अच्छा भजन है, बहुत खूबसूरत भजन है, तो मेरे संग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। अच्छा लगती है आपको हमारी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करें। तो आइए सीखते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक अपने इस चैनल स्टार पायल वत्स को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और बहुत ही ईजी है, जिनके दोनों हैंड्स नहीं चलते हैं ना, जो उनको लगता है कि हमारे दोनों हैंड्स एक साथ नहीं चलते हैं, आप एक पूरा वीडियो को देख लीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, आपको अभी ये ढोलक एकदम बजानी आ जाएगी। बहुत ही इजी लेसन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाटी और बेस पर फिंगर्स बता देती हूँ कि कैसे हमने बजानी है, फिर हम उसको मिलाकर आपको बताएंगे कि आपने मिला के कैसे बजानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी चाटी पर, ढोलक का छोटा पार्ट, देखिए इसे चाटी बोलते हैं, इस पर आपने कैसे बजाना है। देखिए चाटी पर आपने बजाना है, ग्रुप फिंगर जो है ना, ये ऐसे आपने पोजीशन रखनी है अपनी हैंड्स की, इनको ग्रुप फिंगर बोलते हैं और ये इंडेक्स फिंगर होती है। ग्रुप फिंगर देखिए आपने कैसे बजानी है, ऐसे एक दो तीन, मतलब थ्री टाइम आपने एक जगह ही मारना है, एक दो तीन, फिर चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, धीरे धीरे बताती हूँ मैं आपको, एक दो तीन, फिर नीचे मारना है चार, फिर ऊपर पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, आप बोल के साथ भी इसको बोल सकते हैं, जैसे धा 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 धी ना, धा 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 धी ना, धा 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 धी ना, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, धा 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 धी ना, धा 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 धी ना। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आप बोल के साथ बजाना चाहते हैं तो बोल के साथ बजाइए, अगर आप काउंटिंग के साथ बजाना चाहते हैं तो काउंटिंग के साथ बजाइए, जैसे आपको अच्छा लगे। और बेस पर देखें आपने कैसे बजाना है, बेस आपने बजाना है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चाहे आप ऐसे मारिए बंद बेस में, इसको खुला बेस बोलते हैं, और जब हम बीच में मारते हैं तो इसको बंद बेस बोलते हैं। बंद बेस में चाहे आप ऐसे मारिए चाहे आप ऐसे मारिए, जैसे आपको अच्छा लगता है आप ऐसे बजा सकते हैं। देखिए एक दो तीन चार, 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 बोल के साथ भी आप इसको बजा सकते हैं, धा 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 धा, धा 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 धा, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने चाटी पर कैसे बजाना है और बेस पर आपने कैसे बजाना है, तो दोनों आपको पता चल गया। एक बार यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ,
अब बात आती है कि इन दोनों का आपने मिला के कैसे बजाना है और लय में कैसे बजाना है। देखिए कोई भी ताल होती है आप काउंटिंग और बोल के साथ सीख लेते हैं, पर जब उनको उसको हम बजाते हैं तो उसको हम एक लय में बजाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीधे सीधे गाएंगे तो उसकी देखिए लय भी एक ढोलक में से अच्छी आवाज़ नहीं निकल कर आएगी जब तक आप उसको लय में बजाना नहीं सीखेंगे। तो देखिए आपने कैसे बजाना है, दोनों का मैच आपने कैसे करना है। यहाँ आपने बेस पर मैंने आपको बताया है एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और चाटी पर एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। इसको लय में आप थोड़ा सा कैसे गाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच, 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 एक दो तीन एक साथ है, एक दो तीन हल्का सा रुकना है, फिर चार पाँच, चार पाँच को आपने थोड़ा सा जल्दी बोलना है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब इन दोनों को देखिए आप कैसे मिलाएंगे, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, फिर ढोलक पर भी बताऊँगी और फिर हम इसको गीत के साथ भी गाएंगे माता रानी के। देखिए यहाँ पर जब आप तीन बजाते हैं और यहाँ पर चाटी पे, ये आपने एक साथ बजाना है। देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, और जब चार आप यहाँ पर इंडेक्स फिंगर बजाएंगे तो यहाँ पे बंद बेस और इंडेक्स फिंगर एक साथ आपने बजानी है, चार और फिर पाँच। देखिए एक दो तीन चार पाँच, मतलब ये आपने बंद बेस पर ही अपना हाथ रखना है और यहाँ पे फिर आपने पाँच बजा देना है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच, 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 एक दो तीन चार पाँच। देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बता देती हूँ चाटी पर, देखिए कैसे आपने कैसे बजाना है। जब आप चाटी पर बजाएंगे तो बेस पर देखिए आपने कैसे बजाना है, एक दो तीन चार पाँच, 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 एक दो तीन चार पाँच। देखिए धीरे से मैं एक बार आपको बताती हूँ, एक दो तीन चार, और फिर आपने यहाँ पर ऐसे ही रखना है, फिर पाँच, एक दो तीन चार 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 पाँच, एक दो तीन एक साथ बजाना है और चार और बंद बेस एक साथ, और फिर पाँच पर आपने ऐसे बजा देना है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन एक साथ, एक दो तीन, और चार पर इंडेक्स फिंगर और बंद बेस आपने एक साथ बजाना है, चार, और फिर पाँच पर रूफ फिंगर, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेस की साइड भी आपको बता देती हूँ कैसे, ये देखिए जब आप यहाँ बजाते हैं तो ये आपने ऐसे बजानी है, एक दो तीन चार पाँच, 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 एक दो तीन एक साथ, और चार पर बंद बेस और इंडेक्स फिंगर एक साथ, और फिर पाँच। तो इस तरीके से देखिए आपने इसको बजाना है, बहुत ही अच्छी लगती है ये ढोलक अगर हम इसको एक साथ बजाएं। देखिए कैसे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। आप इसको ना थोड़ा सा लय में गाइए तभी इसकी लय निकल कर आएगी, पहले धीरे धीरे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, फिर चार पर इंडेक्स फिंगर और बंद बेस, और फिर पाँच पे ग्रुप फिंगर। देखिए एक दो तीन चार पाँच, 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 तीन चार पाँच, एक दो 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 तीन चार पाँच। तो
इस तरीके से देखिए हमारी ये धुन निकल कर आती है ढोलक में से। और अब हम गाएंगे तुलसी माता का बहुत ही खूबसूरत सा भजन, तो वो मैं दूसरी ढोलक पर आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ये मेरी दूसरी वाली ढोलक है ना, ये थोड़ी भारी है, तो मैं सिखाने में तो इसको हल्की वाली जो ढोलक है इसको यूज़ करती हूँ, पर गाने के लिए मैं ये वाली ढोलक का यूज़ करती हूँ। तो आइए अब हम तुलसी माता का बहुत ही खूबसूरत सा भजन गाएंगे, तो आप भी देखिए कैसे आपने गाना है, फिर आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए सुनते हैं तुलसी माता का भजन। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। Yeah.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, आपको भजन अच्छा लगा होगा तुलसी माता का। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता की।